हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर पीहू। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू कि बहुत सारे बच्चों की वेकेशंस एंड लाइक हॉलीडेज शुरू हो गई हैं। सो टुडे आई हैव एन आइडिया फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग कैसे एकदम प्रोडक्टिव रह सकते हैं अपनी वेकेशंस में भी। सो ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों के 2.5 महीने की छुट्टियां हुई हैं एंड उसके बाद सीधा ही पेपर है। सो आज मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने वाली हूँ, ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपने पेपर की भी तैयारी कर सकते हैं एंड आप फन भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब अपनी वीडियो से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इज नॉलेज। अब आपने ये वर्ड सुना होगा तो आप ये पक्की बात आप ये कह रहे होंगे कि नहीं, वेकेशंस है, वेकेशंस तो सिर्फ और सिर्फ फन के लिए होती हैं, हमें मज़े करने चाहिए। सो व्हाट टू डू, हम नॉलेज गेन करें लेकिन हम इतनी पढ़ाई भी नहीं करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ये नहीं कह रही आप सिर्फ पढ़ते ही रहिए, मैं ये कह रही हूँ आप एटलीस्ट 10 मिनट्स और 20 मिनट्स तक, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा बेटर नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डांस आप अच्छा करते हैं, सिंगिंग अच्छा करते हैं, तो उसकी आप अपनी हॉबी को भी करिए, और एल्स अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करिए, अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी करिए। एंड स्पेशली मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो हिंदी में अच्छे नहीं होते हैं। अपनी वेकेशंस को एक अच्छे मैनर में यूज़ कीजिए जिससे आपका फ़ायदा हो। तो आपको अपने वीक पॉइंट्स पकड़ने हैं जिसमें आप नहीं कर पाते हैं अच्छा, एंड आपको उनके ऊपर फोकस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो उन्हें बेटर करिए इन वेकेशंस में। आई नो उनकी वेकेशंस में आपको प्ले करना है, बहुत सारी जगहों में जाना है, बट स्टिल थोड़ी बहुत तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करनी है तो कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे आप मॉल में हों, चाहे आप गेमिंग जोन में हों, चाहे आप घर पे हो, तो आपको बस नॉलेज गेन करनी है। दैट इज ऑल माय पॉइंट। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज कि आप तो अगर मैं आप लोगों को रीडिंग करनी बहुत पसंद है एंड आपके पास अभी कोई बुक नहीं है घर पे, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम। आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप लोग उसके अंदर बहुत सारी स्टोरी बुक्स होती हैं, बहुत सारी पोम्स होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं किड्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, टीन्स के लिए, एंड बहुत सारे कोर्स भी होते हैं ऑनलाइन। तो आई प्रेफर कि आप कोर्स पढ़िए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कोट पढ़ी थी एंड आई लाइक वो कोट मेरे दिमाग में अभी तक बैठी हुई है, दैट इज़ योर साइलेंस कैन ब्रेक योर एनिमीज़। सो आप ऐसी कोट्स पढ़िए जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी एंड आपको जो भी करना है आपको उसमें मन लगेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ Having fun. Yes, जो vacations होती हैं वो हम सब के लिए बहुत important होती हैं, क्योंकि हम उसके अंदर मज़े करते हैं, relaxed रहते हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, but still आपको पता है holiday homework तो थोड़ा सा मिलता ही है। अब मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो लोग अपने holiday homework को postpone कर देते हैं and they say no, अभी मैं नहीं कर रही हूँ holiday homework, अभी तो 2 महीने 2-2 महीने पड़े हुए हैं, तो इसलिए अभी मैं थोड़ी देर बाद करूँगी स्टार्ट अपना हॉलीडे होमवर्क। लेकिन वो थोड़ी देर बाद ना आपका 1 महीना बन जाता है एंड वो 1 महीने से और 20 डेज बन जाते हैं, एंड उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ पड़ा होता है 1 वीक, एंड उसमें आपके पास सारा मटेरियल नहीं अवेलेबल होता है, एंड आप लोग बस सोचते हैं मैं कैसे कंप्लीट करूँगी, क्या होगा, मेरे से तो होगा ही नहीं, कैसे होगा। सो एक और बात बता रही हूँ, वेकेशंस में हॉलीडे होमवर्क करिए, हॉबीज़ पे वर्क ऑन करिए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए एंड रिलैक्स्ड भी रहिए। ये वेकेशंस होती क्यों हैं, वेकेशंस हॉलीडेज ये इसलिए होती हैं ताकि आप लोगों को एक छोटा सा ब्रेक मिल जाए, आपकी ब्रेक मिल जाए आपकी स्टडीज़ में से, बट स्टिल इन हॉलीडेज़ में आपको अपने पेपरों के लिए भी स्टडी करना है, हॉलीडे होमवर्क भी करना है। एंड अगर आप कोई गुड स्टूडेंट है, आई एम नॉट सेइंग कि आप बैड स्टूडेंट हैं, बट आई एम सेइंग कि अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो ना प्लीज़ एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन कीजिए, एंड मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बता दिया है एंड वो क्या क्या पॉइंट्स है एक्स्ट्रा नॉलेज में, आपको क्या क्या करना है वो करना है। आपको आप नॉलेज गेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डांसिंग, कम्युनिकेशन, सिंगिंग, हैंड राइटिंग एंड हिंदी। ओके, एंड अगर आप किसी और सब्जेक्ट में अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैथ्स, फ्रेंच, तो इन सब को भी आप कवर कर सकते हैं। सो
नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव ऑन करते हैं। इस पॉइंट में मैं आपको बता रही हूँ आपको किस चीज़ को कितना टाइम देना चाहिए, एंड इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगी कि वॉट कैन वी डू इन आर वेकेशंस, बिकॉज नॉलेज के साथ साथ भी तो कुछ ना कुछ करना है ना, एंड नॉलेज में करेंगे क्या फिर, इसलिए ओके सो लेट मी टेल यू। ये जो मैंने अभी आपको एक बना के दिया है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं प्रोडक्टिविटी। अब आप पूछेंगे प्रोडक्टिविटी में आता क्या है, वॉट इज़ प्रोडक्टिविटी एक्चुअली। सो सी फ्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी इज़ अ टाइप ऑफ थिंग विच मेक्स यू एनर्जेटिक, एंड उससे आप एकदम फ्रेश फील करते हैं, एंड ये फीलिंग करते हैं एकदम लेजी से हो रहे हैं काम करना, अच्छा थोड़ी देर बात करते हैं, या फिर आप अपनी डेस्क को क्लीन नहीं रखते हैं। तो आप वेकेशंस में ये करिए कि आप अपनी डेस्क को एकदम क्लीन रखिए, ऑर्गेनाइज रखिए, सो दैट आपको स्टडी स्पेस, आपकी वो स्टडी स्पेस है, इट्स नॉट योर प्लेइंग स्पेस, तो अगर वो गंदी रहेगी एंड आप बैठेंगे तो आपको मन ही नहीं करेगा वहाँ पढ़ाई करने का। प्रोडक्टिविटी में तो इतना सबसे ज़्यादा पार्ट प्रोडक्टिविटी का होता है। सेकेंड पार्ट होता है फन। येस, फन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेकेशंस एंड हॉलीडेज, बिकॉज आपको मैंने इसका बता ही दिया है क्यों, क्योंकि आपको एक ब्रेक मिल रहा है आपकी स्टडीज़ में से। मैं इसको और डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगी अभी, मैं बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगी। सो नेक्स्ट इज रिलैक्स, जो कि होता है 18% इम्पॉर्टेंट दैन फन। तो रिलैक्स रहना है आपको एकदम, ये नहीं है स्ट्रेस की पेपर आने हैं क्या करेंगे कैसे करेंगे, नहीं होगा याद, इतने कम डेज हैं, अभी हॉलीडे होमवर्क भी करना है, याद भी करना है, नॉलेज भी गेन करनी है, हॉबीज भी करनी है, वॉट कैन वी डू। तो आई एम सेइंग बी रिलैक्स्ड, मैं ये नहीं कह रही कंटिन्यूसली हर दिन आप करते रहिए। क्या पता आप अगर सिंगिंग कोर्स ले रहे हैं तो उसके अंदर 1 या 2 डेज ऑल्टरनेट डेज पे रखिए अपनी सिंगिंग कोर्स को, या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हैं पेपरों के लिए तो उसके अंदर आप 1 या 2 डेज के लिए ब्रेक रखिए। अगर आप स्मॉलर क्लासेस में हैं देन तो आपको कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज फ्राइडे टू फ्राइडे पेपर्स होते हैं, और एल्स अगर आप बड़ी क्लास में हैं देन तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बट स्टिल बी रिलैक्स एंड हैव फन। देन जो सबसे कम होता है वो है होमवर्क, दैट इज़ 12.5%। वाई, होमवर्क तो कंप्लीट करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबमिशन टाइम पे होना चाहिए। आई एम सेइंग कि इतना चाहिए हमें पार्ट, दैट मीन्स हमें सिर्फ वैसे 1 वीक या 1 वीक प्लस 5 डेज चाहिए होंगे। एंड उससे क्या होगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग के ही वीक्स में अपना कंप्लीट कर लेंगे उससे आप लोगों को एकदम फ्रेश फील होगा, एंड आप लोगों को नहीं लगेगा कि मेरी वेकेशंस बहुत बोरिंग जा रही है, मुझे करना पड़ रहा है, एंड एंड मोमेंट पे आपको फास्ट 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 होमवर्क करना पड़ेगा। अगर कंप्लीट नहीं हुआ देन यू हैव टू बी सैड ऑल्सो, एंड ऑल्सो आपको फिर लगेगा कि मुझे पहले खेलना नहीं चाहिए था, पढ़ना चाहिए था। एंड एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट, एंड इट हैज हैपेंड टू मी इन प्रीवियस 2 ईयर्स, बट उसमें ऑनलाइन था इसलिए उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन इस साल आप लोगों को कंप्लीट ज़रूर करना है, इसलिए मेरा ऑलमोस्ट हाफ हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, वो भी ओनली 5 डेज में, हाफ या फिर हाफ से थोड़ा कम। सो आपको पता चल गया है कि आपको प्रोडक्टिविटी कितनी करनी है, एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं है सिर्फ स्टडी स्टडी स्टडी, उसका मतलब भी मैंने आपको बता दिया है। फन 31%, रिलैक्स 18%, एंड होमवर्क 12%। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सबसे बड़ा क्वेश्चन हम लोगों का, हम बच्चों का, दैट इज व्हाट कैन वी डू इन दीज वेकेशंस। क्या मैं हॉबीज के ऊपर कुछ करूं, क्या मैं स्टडी करूं हर टाइम, क्या मैं खेलूं, क्या मैं मॉल्स जाऊं, क्या मैं मूवीज देखूं, क्या करूं मैं। बट इसमें से आप जो भी करें ये आपकी मर्जी है, एंड आपकी मर्जी ही आपको बताएगी कि वो आपको अच्छा बनाएगी या बुरा। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, स्टडी बहुत कम कर रहे हैं, यू नो आपके पेपरों में कम मार्क्स आएंगे, आपको अंदर से तो पता है बट यू डोंट टेल इट एंड यू डोंट डू इट। एंड हॉबीज कर रहे हैं ज़्यादा तो स्टडी नहीं हो पाती है, एंड स्टडी हमें हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। चाहे स्टडी आपको पता है वो अच्छा है, लेकिन आप उसको अगर ज़्यादा करेंगे ना
then you will not be able to be relaxed or work on your hobbies and play at all times. So hobby is also important, study is also important, and playing is also important. But everything should be limited, even studies. ओके सो लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ आइडियाज़ बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इन वेकेशन में. सम आइडियाज़ टू जॉइन सम ऑफ द कोर्सेज आर लाइक सिंगिंग कोर्सेज, डांसिंग कोर्सेज, कोडिंग कोर्सेज माय फेवरेट वंस, एंड कम्युनिकेशन कोर्सेज. जैसे आपको पता है बहुत लोगों की बहुत अच्छी आवाज़ होती है, तो वो सिंगिंग कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं. एंड इवन स्टूडेंट्स एंड दे कैन अर्न मनी ऑल्सो थ्रू दैट. डांसिंग कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं. एंड अगर आप बहुत ही हाई लेवल पे आ जाएंगे उसकी वजह से, देन वन डे यू विल जस्ट टीच स्टूडेंट्स एंड यू विल गेट मनी एज अ स्टूडेंट ऑल्सो. कोडिंग कोर्सेज सुनने में थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट वेन यू ट्राई इट यू विल बी एबल टू सी दैट वाओ, हमने अपने खुद के हाथों से एक गेम इन्वेंट करी है या फिर एक वेबसाइट इन्वेंट की है. एंड कम्युनिकेशन कोर्सेज तो बहुत बच्चों को चाहिए होते हैं, एंड मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि उन्हें वेकेशंस एंड हॉलीडेज में भी स्टूडेंट्स को पैसे कमाने हैं. तो उनके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है कि आप लोग कभी ना कभी, अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, कोडिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, सिंगिंग में अच्छे हैं, आप अपने छोटी क्लासेस, अगर आप फॉर एग्जांपल 7th से ऊपर है तो आप छोटी क्लासेस को पढ़ाइए, अगर आप 6th से ऊपर है तो आप उससे छोटी क्लासेस को पढ़ाइए, बट 5th से नीचे वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं. बिकॉज आपके अंदर ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए जो कि एक्चुअल में पेरेंट्स को भी लगे कि यस, ये मेरे बच्चों को पढ़ा सकते हैं. एंड इन दैट केस आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ अपना रेट ज़्यादा मत रखिएगा. आई एम नॉट ए एक्सपर्ट इन दिस, बट आई एम टेलिंग बिकॉज मैनी पेरेंट्स डोंट अलाउ कि हम इतने मनी नहीं दे सकते हैं. तो स्टार्टिंग आप रखिए 1 child 100 rupees. एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपकी क्लासेस में ऑलमोस्ट 50 स्टूडेंट्स भी आएंगे ना, सो यू विल अर्न 10,000 or 8,000 rupees पर मंथ. सो अब इतने ही आइडियाज़ हैं फ़िलहाल मेरे पास. एंड अभी मैं इसके बाद लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो जिसका मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ, एंड दैट आइडिया इज़ कोडिंग. ओके सो बस इतना ही बता रही हूँ मैं आप लोगों को. एंड अगली वीडियो में अगर आपको देखना है कि क्या होने वाला है, आई नो यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड, सो स्टे ट्यून्ड एंड आप देखना क्या होगा. ओके एंड सॉरी फ्रेंड्स कि मैंने कल या फिर परसों एक वीडियो डाली थी, दैट वाज बिकॉज मैं मॉर्निंग में बिजी थी एंड मैं कल वेडनेसडे था, लेकिन मैं डाल नहीं पाई. दैट इज़ व्हाई आई एम पोस्टिंग द न्यू वीडियो टुडे व्हिच इज़ थर्सडे. एंड नेक्स्ट वीडियो सैटरडे को ही आएगी, आई एम प्रोमिसिंग यू दैट. ओके थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.